सब्सक्राइब कीजिए एडवेंचर सॉलिक यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं आपका दोस्त साकिब पठान, और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि मुझे आप सबके प्यार और सपोर्ट की नीड है। एंड गाइज, ये वीडियो है पासपोर्ट के लिए। आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, उसके बाद के लिए आप कैसे वहाँ विजिट करें ऑफिस में पासपोर्ट के, वहाँ क्या प्रोसीजर होता है, कितनी टाइम लगता है, क्या क्या चार्जेस होते हैं, और ECR नॉन ECR क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन में कितने टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, अगर वो आपके एड्रेस की वजह से कैंसिल हो जाए, किसी अदर रीज़न की वजह से कैंसिल हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, और ECR नॉन ECR क्या है, और अगर पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बाद भी और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपको पासपोर्ट नहीं मिला, सो उसके बाद आपको क्या स्टेप करना है। सो ये जो चीज़ें हैं, इस रिगार्डिंग जो क्वारी होती है, इस रिगार्डिंग इक्वायरी मैंने काफ़ी वीडियोस में नोटिस करी जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बट उसमें काफ़ी लोगों ने बताया तो, बट प्रॉपर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आई थिंक सो आप सबको भी कभी ना कभी ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी जब आप अप्लाई करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फेस भी करा हुआ है, इन पास्ट एंड फ्यूचर ऑल्सो करने वाले होंगे। सो ये आपके लिए वीडियो है, आई होप आप सबको अच्छी लगेगी, और ऐसी ही मेरी वीडियो आने तो जैसे 99 रुपीज़ में आप न्यू मोबाइल कैसे परचेज कर सकते हैं, 50 रुपये में दुनिया के 7 अजूबे घूमना इम्पॉसिबल बट पॉसिबल है अगर आप इंडिया में हैं, और दिल्ली में अगर आप आते हैं घूमने के लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, सो आप इजीली 50 रुपये में घूम सकते हैं। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, और आप जाएं मेरे वीडियोस देखें और उन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सो पहले आप, अगर आप दिल्ली से हैं, सो इसका प्रोसीजर मैं दिल्ली के अकॉर्डिंग बताऊंगा क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना फॉर्म फिल करा ऑनलाइन, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका चार्ज जो है अलग अलग होता है। ऑनलाइन का चार्ज 1500 रुपीज़ होता है 30 पेज का। पासपोर्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है बिजनेस पासपोर्ट, एक होता है नॉर्मल पासपोर्ट। जो हम मोस्टली ट्रैवल करने वाले होते हैं स्टूडेंट या फॉर स्टडी पर्पस, फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस, फॉर प्लेजर या एनी अदर पर्पस, सो उसके लिए आपको 30 पेज का पासपोर्ट इनफ है। एंड जो बिजनेस ट्रैवलर होते हैं जिनका काम मोस्टली बाहर कंट्रियों में ट्रैवल करना होता है बिजनेस रिगार्डिंग या ब्लॉग रिगार्डिंग, सो उनके लिए 60 पेज का पासपोर्ट बनता है। तो जो 30 पेज का पासपोर्ट है उसका 1500 रुपीज़ प्राइस होता है, और जो 60 पेज का है उसका 3000 होता है। सो ये डाउट क्लियर हो गया फर्स्ट। एंड सेकेंड, अब आ जाते हैं अप्लाई करने के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ों की नीड होती है। सो आपने ऑनलाइन काफ़ी वीडियो अवेलेबल है, मैं इस रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सिर्फ मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। आई होप आपके डाउट ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे जितना मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का फेस करने के बाद। सो उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन जब आप पे कर देंगे फ़ी, उसके बाद एक स्लिप आएगी, रिसिप्ट जिसे कहते हैं, उसको आपको याद से अपना जब मेल आईडी आप मेंशन करेंगे तो मेल आईडी आप वो मेंशन करना जो सही हो। तो उस पर रिसिप्ट आने के बाद आपको उसका प्रिंटआउट निकलवाना पड़ेगा। प्रिंटआउट निकलवाने के बाद उसमें अपॉइंटमेंट का टाइम होता है, किस डे की अपॉइंटमेंट है, मॉर्निंग का है, इवनिंग का है, नून का है, ठीक है। अगर मॉर्निंग का है तो 10 बजे आपको वहाँ पहुँचना होगा जो आपका सेंटर होगा पासपोर्ट का, और अगर नून का है तो आपको 2 बजे पहुँचना होगा। मेरा मॉर्निंग का था, सो मैं ऑफिस से पहले सीधे ITO चला गया था, मेरा जो ऑफिस था पासपोर्ट का वो ITO है दिल्ली में, जो ITO है वहाँ पर। सो मैं 10 बजे वहाँ पहुँचा, जैसा कि मैं फ्रेशर था, फर्स्ट टाइम था मेरा, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं वहाँ जो ओल्ड यूज़र्स होते हैं जो सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे होते हैं, अपना रिवेन्यू कराने वाले होते हैं। सो मैं काफ़ी होपलेस भी था क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, मैं कभी किसी से मिला इस रिगार्डिंग, और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि ये होता है, मतलब काफ़ी क्वायरी थी मेरे दिमाग में। बट बाई चांस मैं वहाँ गया, एंड देन उसके बाद वहाँ लाइन लगी होती सुबह मॉर्निंग में, एंड 10 बजे वो स्टार्ट हो गया एंट्री। एंट्री करने के बाद वहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे गए सबसे पहले, वहाँ कम से कम 6 लाइनें थी रो वाइज। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, फोटोस्टेट एंड रियल, वो आपको बता देंगे अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप पे डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट नहीं है तो आप घबराए नहीं, वहाँ फोटोस्टेट की मशीन होती है, आप वहाँ ईजिली अपनी फोटोस्टेट करा सकते हैं, इवन अगर आप घर से लेके जाएँ तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कुछ कमी होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग एड्रेस या कुछ भी चीज़ की, सो आपको उसके अदर कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। अगर आप पे वो भी नहीं है तो वो आपको फिर किसी और अदर डे बुला सकते हैं प्रॉपर तरीके से बता कर, तो आप घबराएं मत, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अंदर जाना है, जो आपको टोकन देंगे उस रिगार्डिंग उस पर डिजिट लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 समथिंग 1 2 3 4 5 6,
सो डिजिट के अकॉर्डिंग वहाँ स्क्रीन लगी होती है, तो वो टॉकिंग वाइज जो नंबर होगा वो मेंशन होता रहता है और आपके नाम भी अनाउंस होते रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें दिक्कत होती है सुनने में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों तरह की वहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, आप घबराए नहीं। एंड वहाँ जाने के बाद मोस्टली चीज़ें जो सबसे ज़्यादा सामने प्रॉब्लम जो आती है, जो नए यूज़र्स होते हैं वो थोड़ा परेशान होते हैं, तो आप परेशान ना हो, आप अपना वेट करें अपने टर्न का और उसके बाद आप वहाँ जाएँ। जाने के बाद वो आपसे आपका आप बिजली का बिल लेंगे आपका एड्रेस प्रूफ में, आपका मीटर बिल ले सकते हैं, उसका पानी का बिल ले सकते हैं आपका एड्रेस प्रूफ में, टेंथ की मार्कशीट, आधार कार्ड एज वेल एज आपका वोटर आईडी कार्ड, सो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना होगा, फोटो आपके पासपोर्ट साइज़। सबसे मस्त चीज़ जो आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी, मैं खुद ज़्यादा शॉक हो गया जब मैं वहाँ विजिट करा। अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ तीन कैटेगरी होती है, ए बी सी, टॉकिंग के बाद। तो ए वाले में अब एक नया रूल आ गया है, नया रूल में यह है कि आपका जो पासपोर्ट है उसके साथ साथ आपको उसका कवर भी लेना होगा, जिसके प्राइस आपको ही पे करने होंगे और वहीं पे करने होंगे। अगर आप ऑफलाइन पे करते हैं तो वायर डाक जो होता है उसके कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वहाँ ऑफलाइन जब आप वहाँ विजिट करें वहाँ भी पे कर सकते हैं। सो मैं जब गया तो उन्होंने मुझे बताया, मैं शौक था क्योंकि मैंने वीडियोस देखी थी, नेट पर काफ़ी चेक करा था, अपने फादर से मदर से ब्रदर से पूछा था, जो भी मेरे रिलेटिव हैं जो भी फ्रेंड है सबने कहा था कुछ डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ किसी अदर चीज़ की नीड नहीं है, आप जा सकते हैं। बट वहाँ जब उन्होंने मुझसे कहा कि 500 रुपीज़ दीजिए या 800 रुपीज़ दीजिए या 1000 रुपीज़ दीजिए, मेरे पास था बट फिर भी मुझे अननोन सा लगा कि यार मुझे तो पता नहीं था। सो इसलिए वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो करने के बाद वहाँ एक आपको कवर मिलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, जो किसी भी वीडियो में नहीं है, देख सकते हैं आप, आई होप क्लियर आ रहा हो। पासपोर्ट का एक कवर है जो अब वहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। ये 2019 की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसी वजह से बना रहा हूँ क्योंकि आप कोई सी वीडियो देखेंगे उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सो पहली चीज़ आपको इसके पे करना होगा, इसकी तीन कैटेगरी होती है, 500 रुपीज़ का जो है वो लेदर का है और काफ़ी चीज़ें अदर भी थी। सो इसको करने के बाद फिर आपको पे करने के बाद आपको आपके सिग्नेचर लिए जाएंगे, आपके फिंगरप्रिंट थंबप्रिंट सब लिया जाएगा, लेने के बाद आपको आगे मूव कर दिया जाएगा सेकंड रूम में, मतलब बी सेक्शन में। एबीसी मैंने आपको बताया था, बी सेक्शन में क्या होता है, आपके जो एड्रेस के रिगार्डिंग जो भी प्रूफ होते हैं टेंथ की मार्कशीट में आपके, वो सब कुछ वेरीफाई करने होते हैं। तो जो नॉन ECR होते हैं, मीन जो 10वीं क्लास से ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, उसके लिए सी सेक्शन में मुश्किल से वो भेजते हैं बट रेयरली, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है रेयर केस में कि उन्हें भेज दिया जाता है, अदरवाइज कहते थे आप जा सकते हैं, तो उसमें आप घबराए नहीं। मेरे साथ जो सीन था, मेरे साथ सिनेरियो ये हुआ था कि मैंने जब एंट्री करी तो मुझे उन्होंने सी में नहीं भेजा, तो मैं तो काफ़ी ऑपलेस हो गया कि यार क्या होगा। सो मैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा उनके पास गया कि उनसे रिक्वेस्ट करी सब ये सी में भेज दीजिए, उन्होंने मुझे समझाया फिर। सो ये गलती आप ना करें। सो आप ध्यान रखें, नॉन ECR का मतलब होता है कि 10 क्लास से ज़्यादा अपर एजुकेटेड होते हैं, मतलब 11, 12 कॉलेज या BA, BCom या जो भी आप कर सकते हैं, तो ये जो होते हैं वो नॉन ECR होते हैं एजुकेटेड, और ECR जो होते हैं 10th लेवल से कम, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग दुबई, कनाडा, अमेरिका ऐसी कंट्री जाते हैं और वहाँ जॉब करते हैं और वहाँ फंस जाते हैं। सो इसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है ECR और नॉन ECR का। सो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो ये काफ़ी बेस्ट भी है। सो आप होपलेस ना हो, एंड मैंने आपको बता दिया ABC का। सो अब तक ये जो भी था ये वहाँ का था कि आपको एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से, पे भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर सकते हैं, और साथ में आपको वहाँ जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट लेके। ये सब चीज़ें करने के बाद फिर वहाँ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी डॉक्यूमेंट्स में किसी अदर चीज़ में, आपको बता दिया जाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट दोबारा लेने के लिए मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो आपको वेट करना होगा, एंड अगर आपकी सारी वेरीफिकेशन वहाँ पासपोर्ट ऑफिस में कम्प्लीट हो जाती है तो आपको वहाँ से रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट मिलने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज का 50 रुपये चार्ज होता है, जब ऑनलाइन आप फिल करेंगे ऑफलाइन फिल करेंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि अब भी 9 मिनट की वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सो प्लीज़ यार मैनेज कर लेना।